महानगर के गुलहरिया थाने पर संपूर्ण समाधान थाना दिवस का जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, थाना प्रभारी गुलहरिया व नगर निगम, राजस्व विभाग और बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम और एसएसपी ने गुलहरिया थाने के पीछे बन रहे यार्ड का निरीक्षण भी किया। शनिवार को थाना दिवस पर कुल आधा दर्जन से अधिक मामले आए। ज्यादातर मामले राजस्व विभाग संबंधित विभाग के आए, जिसका जिलाधिकारी द्वारा मौके पर निस्तारण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने कहा, शनिवार को आज जो है थाना समाधान दिवस होता ही है, तो उसमें हम और डीएम जाते ही हैं। तो आज हम गुलहरिया थाने गए थे, वहाँ पर सीधे बैठ करके जनता से मुखातिब होते हैं और थाने की कार्य प्रणाली, रेवेन्यू ऑफिसर्स की कार्य प्रणाली पर डीएम एसपी दोनों इकट्ठे देखते हैं। तो ये एक परंपरागत दौरा है जो हर बार हम लोग जाते ही हैं। जैसे पिछली बार भी हम लोग पिपराइज थाने गए थे, उससे पहले हम लोग आगे भी कई थाने गए थे। तो जैसे ही हमें समय मिलता है तो हम लोग ये काम जरूर करते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जनता तक पहुंच सके। हमले वहाँ पर थे जिनको डीएम साहब ने अच्छे से सुना और वहाँ का दौरा भी किया उन्होंने और दिशा निर्देश दिए हम लोगों ने। ये आज गुलहरिया थाना गए थे, वहाँ मौके पे चार पांच मसला था, खासतौर पे ज़मीन संबंधित मसला था, उसको निस्तारण हो गया। बाकी गुलहरिया के पीछे है हम लोग उसका जो कितने गाड़ी जो हर थाने में पड़ा है उसका शेड बनवा रहे हैं, उसी के नापतोल हो गया है, बाकी काम तो चल रहा है।